श्योपुर के विजयपुर कस्बे में चोरी की बढ़ती वारदातों से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चोरी की वारदात से परेशान महिलाएं व्यापारियों के साथ एसडीओपी को ज्ञापन देने पहुंची, जहां महिलाओं की एसडीओपी के साथ जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान बीजेपी की महिला नेत्री तारा देवी ने एसडीओपी की टेबल पर चूड़ियां रख दी और पुलिस प्रशासन पर चोरी रोकने में नाकाम होने के आरोप लगाए। चोरी की बढ़ रही वारदात से नाराज विजयपुर कस्बे के लोग सड़क पर उतर गए। वे थाना प्रभारी सोनपाल सिंह तोमर की कार्यवाही से खफा थे। उनका कहना था कि पिछले एक माह से कस्बे में अज्ञात चोर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस चैन की नींद सो रही है। ऊपर से थाना प्रभारी ने 4 दिन पूर्व एक ही रात में अंबेडकर कॉलोनी में 5 घरों से हुई लाखों रुपए की चोरी की वारदात में सिर्फ एक ही मामले में केस दर्ज किया है। ऐसे में विजयपुर एसडीओपी दफ्तर पर चोरियों पर लगाम लगाने और टीआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोग ज्ञापन देने पहुंचे थे, तभी बीजेपी महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष तारा देवी और एसडीओपी के बीच नोकझोंक हो गई। इस दौरान तारा देवी ने यह कहते हुए अपने हाथों से चूड़ी निकालकर एसडीओपी निर्भय सिंह अलावा की टेबल पर रख दी कि कार्रवाई करो नहीं तो चूड़ियां पहन लो। इसके बाद एसडीओपी ने भी कह दिया कि ये चूड़ियां आप थाना प्रभारी को पहनाएं, मुझे आवेदन दें, मैं जांच करूंगा। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development, with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।